आज तक के इतिहास का एलआईसी का आईपीओ, उसकी डेट्स आ गई हैं, उसकी बारीकी आ गई है, उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ अविनाश गोरक्षकर जी मौजूद है प्रॉफिट मार्ट से। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो ये मच अवेटेड आईपीओ है, इसके लिए क्रेज बहुत है, क्रेज निवेशकों का तो है ही, सरकार का भी। सरकार ने पूरा जोर लगा लिया इस आईपीओ को लाने के लिए और अब आखिरकार ये आईपीओ आता हुआ नजर आएगा 4 मई को। 9 मई तक खुला रहेगा और थोड़ा सा मैं बारीकियां इसकी बता दूं, उसके बाद मैं आपके सवाल पूछूंगा क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं उनको एड्रेस करेंगे। लेकिन 902 रुपए से 949 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा है और 3.5% हिस्सा बेच रही है सरकार। पहले 5% हिस्सा बेचने की बात थी क्योंकि मौजूदा मार्केट कंडीशंस वैसी है नहीं और सरकार चाहती है कि ये आईपीओ सक्सेसफुल हो, देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, तो उस लिहाज से अब 3.5% हिस्सा बेचकर 20,557 करोड़ की सरकार जुटाएगी। इश्यू में 22,13,00,000 शेयर जारी होंगे। पॉलिसी धारकों के लिए 10% इश्यू जो है वो रिजर्व रखा गया है और कर्मचारियों के लिए 0.7% कुल इश्यू का रिजर्व रखा गया है। पॉलिसी धारकों को 60 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा और कर्मचारियों और रिटेल कैटेगरी को 45 रुपीज पर शेयर का डिस्काउंट दिया जाएगा। अब सर एक्साइटमेंट तो बहुत है इस आईपीओ को लेकर, क्रेज बहुत है, डीमैट अकाउंट की संख्या हमने बढ़ती देखी है इस आईपीओ के चक्कर में, लेकिन क्या एलआईसी की आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसमें मार्केट मूड माहौल क्या बता रहा है और मार्केट में जो आप बड़े इन्वेस्टर्स से बात करते हैं उनका क्या कहना है? देखिए रजत, पहली बात तो ये जो आईपीओ आया है, अभी एलआईसी के जो आईपीओ के डिटेल्स आपने दिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो वैल्यूएशन है वो बहुत अट्रैक्टिव है, 900 और 949 रुपए में, और रिटेल इन्वेस्टर को तो अगर 45 रुपए का डिस्काउंट मिलता है तो हम समझते हैं कि 900 रुपए में आपको ये शेयर मिल रहा है। कंट्री की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और हालांकि ये सरकारी कंपनी है, अभी भी 60% इंश्योरेंस मार्केट का मार्केट शेयर एलआईसी के पास में है, तो बहुत ही रीजनेबल और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे सरकार ने सोच समझ के ये शुरू किया है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा है क्योंकि इससे काफी बड़ी रिस्पांस आपको इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट से आएगी, रिटेल निवेशकों से आएगी और ऑफकोर्स पॉलिसी होल्डर्स को तो बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल से पहले अनुमान था कि कम से कम 2 या 3 टाइम एम्बेडेड वैल्यू के वैल्यूएशन के हिसाब से आईपीओ की प्राइस डिसाइड की जाएगी, लेकिन ये जो प्राइस है ये बहुत अट्रैक्टिव है और मुझे लग रहा है कि देखिए लिस्टिंग गेन्स थोड़े आ सकते हैं 15-20%, लेकिन जो बड़ा पैसा बनेगा वो बेसिकली लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बनेगा क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देखिए इंश्योरेंस बिजनेस ये लंबी अवधि के लिए ही चलता है, इनका जो बिजनेस मिक्स है वो ज्यादातर एन्यूटी का है जहाँ पे मार्जिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी जो प्राइवेट सेक्टर प्लेज है जैसे कि SBI लाइफ है, HDFC लाइफ है, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्लान ज्यादा है जहाँ पे मुनाफा ज्यादा है, लेकिन नेट नेट जिस प्रकार का इनका बिजनेस स्ट्रेटेजी है, हमने इनकी कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, डेफिनेटली आने वाले सालों में बहुत एग्रेसिव होगा और निवेशकों को अच्छा पैसा बनाने का मौका बनेगा क्योंकि इंश्योरेंस स्पेस में इंडिया में मामूली 2 या 3% की पेनेट्रेशन है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इंश्योरेंस को ग्रो करने के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो नेट नेट बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसमें अप्लाई करना, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेहतर है। पर सर कुछ निवेशक ऐसे भी होते हैं कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में आते हैं, तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म में तो आपने बोल दिया कि वेल्थ जनरेटर साबित होगा, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है कि उतना अट्रैक्टिव प्राइस बैंड रखा गया? बिल्कुल, मैं समझता हूँ, देखिए 900 रुपए में अगर रिटेल शेयर होल्डर्स को मिलता है तो मेरे ख्याल से देखिए कम से कम 1,050-1,100 का लेवल कम्फर्टेबली मिल सकता है इस शेयर में। सबसे बड़ी अट्रैक्टिव बात यह है कि रजत आगे चल के ये इंडेक्स स्टॉक्स भी बन सकता है, MSCI के इंडेक्स में भी आ सकता है क्योंकि बड़ी कंपनी है और ऑब्वियसली ये बड़ी कंपनी एक बार इंडेक्स की शेयर बनेगी तो इसमें कंपलसरी FII की बाइंग भी होगी, बड़े म्यूचुअल फंड्स भी एंटर करेंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी डाउनसाइड है। इनफैक्ट 1,050-1,100 का एक मुझे लग रहा है पॉसिबल है क्योंकि पहले जो एग्रेसिव प्राइस 1,200-1,300 के बाद की बातें चल रही थी, अभी आपको 900 रुपए में शेयर मिल रहा है, तो सरकार ने अच्छा रिस्क रिवॉर्ड टेबल पे प्रेजेंट किया है, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बढ़ेगा लेकिन जो बड़ा पैसा है वो लॉन्ग टर्म में ही बनेगा। जो इनको लिस्टिंग गेन चाहिए वो 1,050-1,100 का एक रेंज देख के अपना इस इशू में पैसा लगा सकते। अच्छा सर, ये आज तक तो LIC के आईपीओ की बात सुनी नहीं थी, पिछले कुछ वक्त से हम सुनते आ रहे हैं, अचानक से एकदम से क्या हो गया और इतनी अफरा तफरी क्यों है LIC में स्टेक बेचने की? चलो 5% ना बेचा, 3.5% बेच गया, इतनी ज्यादा जरूरत क्या आन पड़ी? पहले तो सरकार बेच नहीं रही थी LIC में, और अब सरकार की एकदम से जो अप्रोच है वो LIC में भी, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, उसमें भी 3.5% ऐसा बेच दिया। देखिए रजत, पहली बात तो क्या है कि आपको याद होगा पिछले 2 साल पहले जब बजट यूनियन बजट प्रेजेंट किया था
अभी सरकार ने ये सोचा था कि LIC का हिस्सा अगर 5% को बेचते हैं तो बहुत आसानी से उनका जो फिस्कल डेफिसिट का प्रॉब्लम है वो सुलझ जाएगा, और वही एक कारण है कि सरकार को पैसों की जरूरत है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है, काफी सोशल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है। तो ये अगर 5% ये बेचते हैं तो बहुत आसान तरीके से इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा मिलेगा, पब्लिक का पैसा मिलेगा, और कहीं ना कहीं LIC की जो ऑपरेटिंग वर्किंग है वो थोड़ी और कॉम्पिटिटिव होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि LIC की जो मार्केट लीडरशिप एक जमाने में थी वो अभी थोड़ी कम हो चुकी है, प्राइवेट सेक्टर एंटर कर चुका है। तो लिस्टिंग के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट कॉर्पोरेट को भी मिलता है। तो ये सब सोच के मेरे ख्याल से सरकार ने इसको डाइवेस्ट करने का सोचा था, और डेफिनेटली पैसे की जरूरत है गवर्नमेंट को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि आपने देखा है कि अभी 3.5% हो रहा है, शायद हो सकता है कि अगले साल डेढ़ साल में जैसे जैसे नतीजे होंगे, वैल्यूएशन इंप्रूव होगा, तो FPO जो आएगा वो शायद थोड़ा और प्रीमियम पे आएगा। बट डेफिनेटली यू नो ये बात निश्चित है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये एक जरिया है जहाँ पे वो पैसा इकट्ठा कर। सरकार ने क्लियर किया है कि IPO तो आ रहा है लेकिन इसके बाद FPO इस साल नहीं आएगा, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद ही और स्टेक डाइल्यूट होगा, पर इस साल अभी तक तो ये बात नहीं हो रही कि LIC को कोई IPO आएगा। लेकिन सर जो हम वैल्यूएशन की बार बार बात कर रहे हैं, इसमें कुछ डेटा मैं सामने रख दूं कि FY19 में 4.15 का EPS, FY20 में 4.29, FY21 में 4.7, ₹4.70 प्रति शेयर का अर्निंग LIC ने रिपोर्ट की थी। उस लिहाज से तो सर अगर 949 रुपीज पर शेयर पर हायर एंड पे भी अगर देखें तो 202 का पी मल्टीपल बैठता है LIC का, और HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रू 78 से 98 के मल्टीपल्स पे कर रहे हैं कामकाज। तो क्या ये स्ट्रेच मल्टीपल है जिसपे आ रहा है, या फिर कोई ऐसा पैरामीटर है जो बिल्कुल फेयर वैल्यू बता रहा है कि LIC की फेयर वैल्यू 949 जो सरकार ने रखी वो ठीक है? पहली बात तो रजत, देखिए आपने जो पी मल्टीपल्स की बात की LIC के लिए, फिर उसके बाद HDFC लाइफ के लिए, मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको और आपके सारे व्यूअर्स को कि पी मल्टीपल ये एक बराबर तरीका नहीं है इंश्योरेंस बिजनेस को वैल्यू करने का। इंश्योरेंस बिजनेस में दो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, एक तो एम्बेडेड वैल्यू और दूसरा परसिस्टेंसी रेशियो। एम्बेडेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज होती है इंश्योरेंस कंपनी की प्लस जो साल भर में आती है उसका अगले 10-20 साल का कितना कैश फ्लो यू नो नेट ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, और ये एम्बेडेड वैल्यू हर साल बढ़ती है। तो जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी देखो तो आपको पहला आंकड़ा देखना है एम्बेडेड वैल्यू। जो अभी एम्बेडेड वैल्यू LIC की है वो करीबन 540,000 करोड़ है, और अभी जो वैल्यूएशन ऑफर कर रहा है LIC वो 1.1 टाइम पे आपको ऑफर कर रहा है। अगर हम दूसरी कंपनी देखें जैसे HDFC लाइफ तो वहाँ पे तो 3 टाइम का एम्बेडेड वैल्यू प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू है, उसके बाद अगर SBI लाइफ देखें तो वहाँ पे 2.5 टाइम्स है। तो कहीं ना कहीं दूसरे प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले में ये आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड प्रेजेंट करता है एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से। दूसरा जो रेशियो है वो परसिस्टेंसी रेशियो है। परसिस्टेंसी रेशियो यानी जो पॉलिसी होल्डर है वो कंपनी के साथ कितने सालों तक रहता है। नॉर्मली 65-70% एक एवरेज होता है। LIC का जो कस्टमर है वो उनके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा है, यहाँ पे भी इनका 65-70% परसिस्टेंसी रेशियो है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये दो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अर्निंग पर शेयर या पी मल्टीपल ये कंपनीज के देखेंगे तो इससे आपको कोई यू नो बराबर वैल्यूएशन का मतलब नहीं आएगा। तो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू या मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू का जो मल्टीपल है वो मेरे ख्याल से अभी जो 1.1 में जो LIC आपको यू नो दिला रहा है वो ऑब्वियसली अगर नतीजे अच्छे आते हैं, बिजनेस अच्छा ग्रो होता है तो 2.5 या 3 तक जाएगा, क्योंकि ये मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी मार्केट शेयर एंजॉय करता है। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी बात मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी दूसरे प्राइवेट सेक्टर से मुकाबले में कम है, क्योंकि इनका ज्यादातर बिजनेस एन्यूटी से आता है। एन्यूटी में मार्जिन कम होते हैं, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले जब LIC बना था तभी सोशल यू नो इन रिफॉर्म्स को देख के ये LIC का काम शुरू हुआ था। अभी प्राइवेट यू नो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई है तो आगे ये डेफिनेटली प्रोटेक्शन प्लान्स में भी फोकस करेंगे जहाँ पे मुनाफा अच्छा है, और जहाँ पे HDFC लाइफ या मान लीजिए यू नो SBI लाइफ यहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं। तो वो प्री रेटिंग के लिए काफी बड़ा है रजत, लेकिन जो प्राइस पे अभी आपको मिल रहे हैं काफी अच्छे हैं। तो परसिस्टेंसी रेशियो और एम्बेडेड वैल्यू ये दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना है। एक बात और, एम्बेडेड वैल्यू हर साल कंपनी मार्च के महीने में प्रेजेंट करती है, तो जितना ज्यादा एम्बेडेड वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी का बढ़ता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेल निवेशक के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये एम्बेडेड प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू अगर आप ग्लोबली भी कंपेयर करोगे तब भी आप बोल रहे हो कि LIC की बेहतर है इंडस्ट्री में? नहीं बिल्कुल, देखिए पहली बात तो आपको देखना है कि इंश्योरेंस मार्केट अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें तो US है, यूरोप है, वहां पे ऑलरेडी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन 40-50-60% हो चुका है।
हमारे यहाँ पे तो मुश्किल से 3% लोग ही इंश्योरेंस लेते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में इंश्योरेंस की डिमांड बहुत ज्यादा है। आप प्रोटेक्शन प्लान लो, टर्म प्लान लो, या यू नो बड़ी कोई दूसरा मेडिक्लेम लो, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है। अगले 15-20 सालों के लिए मुझे लग रहा है इंश्योरेंस मार्केट में जो डिमांड है वो अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि पेनेट्रेशन रेशियो मुश्किल से 3% रह जाता है, जो दूसरे ग्लोबल कंट्रीज में ऑलमोस्ट 40-50% है। तो हमारे लिए ग्राउंड कवर करने के लिए बहुत ज्यादा यू नो बड़ी मार्केट है, और हम 140 करोड़ की जनता है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि बिजनेस की कोई यू नो कमी नहीं है। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी पे सबका नजर रहेगा, एक बार LIC के नंबर्स आएंगे, पब्लिक यू नो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, तो ये सारी बातें सब जानते हैं कि डिमांड अच्छा। आपको पिछले 2 साल में तो कोविड होने के कारण थोड़ा बिजनेस इफेक्ट हो चुका था, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे गिने चुने प्लेयर्स ही ऑपरेट करेंगे। इंश्योरेंस का बिजनेस हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ के कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, और यहाँ पे सरकार की अप्रूवल लगती है। अगर किसी नए कंपनी को एंटर करना है तो वो इतनी आसानी से इनको अप्रूवल मिलती भी नहीं। पर सर अभी तो यही बात हो रही है कि जो जीवन बीमा पॉलिसी है और जो एजेंसी नेटवर्क है, LIC का सबसे बड़ा है, देश की सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं ये बहुत एग्रेसिव हैं अब इस कारोबार पे। प्रीमियम्स LIC के थोड़े महंगे, ऑब्वियसली न्यू बिजनेस प्रीमियम्स तो हम देखते ही हैं कि LIC के बढ़ते चले जा रहे हैं, और 63-66% के आसपास का मार्केट शेयर जो न्यू बिजनेस प्रीमियम में कोट कर रहा है LIC। लेकिन ये जो टक्कर दे रहे हैं नए प्लेयर्स हैं, जैसे HDFC लाइफ हो गया, SBI लाइफ, और साथ साथ ICICI प्रू, तो ये जो एग्रेसिव स्टांस अपनाए हुए, आने वाले समय में मार्केट शेयर जो है LIC का क्या कम होगा? देखिए मुझे लग रहा है कि पहले तो सिर्फ LIC था, उसके बाद 8-10 प्राइवेट सेक्टर कंपनियां आई, तो डेफिनेटली मार्केट शेयर गिरा अभी, लेकिन हमको लग रहा है कि 60-65 या 63% में ये स्टेबलाइज होगा। और रही बात कॉम्पिटिशन की, तो रजत कॉम्पिटिशन तो मार्केट में रहेगा ही, प्राइवेट सेक्टर कंपनी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात LIC का ब्रांड, का जो क्रेडिबिलिटी है, लोगों का भरोसा है, मैं समझता हूँ कि ये इनके लिए काफी प्लस पॉइंट है। और देखिए जो भी शेयर आपको आप IPO से खरीदोगे वहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप काफी ज्यादा है। जैसे मैंने कहा कि प्रोटेक्शन पॉलिसीज अगर LIC ज्यादा बेचती है तो ऑब्वियसली मार्जिन में सुधार आएगा। तो कहने की बात यह कि कॉम्पिटिशन तो चलता रहेगा, लेकिन स्कोप डेफिनेटली आगे रिलेटिंग के लिए काफी बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन सब कुछ तो अच्छा अच्छा नहीं हो सकता, कुछ रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं हर इशू में, तो निवेशकों को ये भी पता होना चाहिए कि जोखिम क्या है अगर वो पैसा लगाते हैं LIC के IPO में, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, वो रिस्क फैक्टर्स अगर आप हाईलाइट कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत बेहतर। देखिए रजत, रिस्क फैक्टर्स तो सिंपल है, मुझे लगता है कि ये भाव से 900 रुपए के भाव से ये बिलो द IPO प्राइस मिलेगा नहीं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो पिछले 2 साल हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे इनको क्लेम का रेशो बहुत ज्यादा मिला, जब क्लेम रेशो बढ़ जाता है तभी दिक्कत होती है। दिल्ली में हमने सुना है कि कोविड के केसेस अभी वापस चालू हो गए हैं, मुंबई में केसेस चालू हुए, तो अगर कोविड की फोर्थ वेव आ गई और यहाँ पे थोड़ा सा मामला सीरियस हो गया तो वापस इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पहला झटका लगेगा, और ये सिर्फ LIC के लिए नहीं सारी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए लगेगा। तो यू नो लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि कोविड जैसा कोई इवेंट ना हो, क्योंकि इनका बिजनेस बहुत स्टेबल होता है, लेकिन अगर कोविड जैसा कुछ हो गया तो फिर इसमें कोई भी कंपनी में हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इसका आगे का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, तो यही एक शायद यू नो प्रॉब्लम एरिया हो सकता है। रही बात कंपटीशन की, तो LIC ने पहले भी यू नो इन सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ कंपटीशन में उतारा है, तो मुझे लगता है कि ये कोविड का मामला अगर आप निकाल दो तो मेरे ख्याल से इशू में ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव फैक्टर नहीं है जिससे हम कहेंगे कि बहुत महंगा इशू है, बहुत एग्रेसिवली प्राइस किया है। यू नो रिटेल निवेशकों को पैसा कमाने का कोई स्कोप नहीं है, काफी पैसा टेबल पे सरकार ने इस बार अच्छी तरह से लोगों को दिया है। कोविड अगर नहीं होता मान लीजिए कि अच्छी लिस्टिंग भी होगी और अच्छा परफॉर्मेंस भी आएगा। अच्छा, लेकिन सर ये 21,000 करोड़ की बात हो रही है तो ऐसे में बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इतना बड़ा इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू आने जा रहा है, तो शेयर मार्केट पे, सेकेंडरी मार्केट पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए नॉर्मली क्या होता है रजत, जब ऐसा बड़ा इशू अनाउंस होता है तभी डेफिनेटली सेकेंडरी मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आती है, लोग अपने ओरिजिनल शेयर बेचते हैं, फिर उसके बाद वो पैसों से यू नो ऐसे पब्लिक इशू में पैसा लगाते हैं, नए निवेशक भी आएंगे। आपने सही कहा शुरुआत में कि DP अकाउंट शायद 3-4 करोड़ और खुलेंगे, क्योंकि ऐसे IPOs में नए निवेशक मार्केट में आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये शॉर्ट टर्म इवेंट है, 4 मई और 9 मई में ये एक बार इशू खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑब्वियसली ये पैसा वापस जो जिनको मिलता है नहीं मिलता शेयर, वो पैसे सर्कुलेशन में वापस आएंगे। टिल द नियर टर्म हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, क्योंकि सप्लाई काफी आएगी,
बट लिस्टिंग के बाद मेरे ख्याल से वापस यू नो मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अभी तो नतीजों का सीजन है तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेफिनेटली थोड़ा सा इंतजार करेंगे इशू खत्म होने तक, उसके बाद वापस यू नो इक्विलिब्रियम और बैलेंस मार्केट में आएगा, ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। चलिए सर, आखिरी सवाल ये होगा कि मार्केट के मूड माहौल को देखकर जो आईपीओ की वैल्यूएशंस आई है, जो प्राइस बैंड आया है, उसको देखकर अगर 5 में से रेटिंग देनी हो तो 5 में से आप कितनी रेटिंग देंगे इस आईपीओ को, और निवेशकों के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? सब्जेक्टिव होता है लेकिन फिर भी 4 दूंगा। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात प्राइस है, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने कम प्राइस पे 900 के प्राइस पे रिटेल निवेशकों को शेयर मिलेगा। दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि देखिए LIC में लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद बड़ी मत करिए, क्योंकि बड़ा शेयर इशू है तो लिस्टिंग गेन शायद आपको इतना उत्साहित नहीं करे, बट अगर आपको 2-3 साल का नजरिया करना है तो 900 रुपये में ये शेयर काफी अच्छा है, अच्छा पैसा बन सकता है। और इस कंपनी का जो ब्रांड है, जो विजिबिलिटी है, जो ग्राफिकल रीच है, इसको तो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इंश्योरेंस में आपके पास ये शेयर है तो ये डेफिनेटली जैसे ऑटो सेक्टर में मारुति है, टिपिकली इंश्योरेंस सेक्टर में LIC है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका ग्रोथ अच्छा होगा। बट लॉन्ग टर्म सोचिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको 15-20-25% मिले, उसके बाद शेयर में थोड़ी बिकवाली भी आ सकती है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छा